लोकसभा सचिवालय का महत्वपूर्ण प्रकाशन, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी के अभिभाषणों का एक संकलन, इसका विमोचन हम आपके कर कमलों से करवाएं, लेकिन उसके पहले एक संक्षिप्त जानकारी उसके बारे में हम पहुंचाना चाहते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के लोकतंत्र का एक अत्यंत गंभीर और गरिमामय अवसर होता है। संविधान के अनुच्छेद 87 के उपबंध के अनुसार राष्ट्र और संसद के प्रमुख के नाते इस अभिभाषण के द्वारा राष्ट्रपति सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये वो राष्ट्रीय महत्व का अवसर होता है जब संसद के तीनों संगठक राष्ट्रपति और दोनों सदन एक साथ होते हैं। सातों दशकों के राष्ट्रपति जी के अभिभाषणों का संकलन का ये नया एडिशन, नया प्रकाशन, जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो ये प्रकाशन हमें नई ऊर्जा के साथ उत्प्रेरित कर रहा है। उस कठिन दौर में जब उतार चढ़ाव के साथ भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने तक की यात्रा की एक अंतर्दृष्टि देता है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और सम्मानित मंच से आग्रह इसके विमोचन के। लोकसभा सचिवालय का ये नए संस्करण के साथ महत्वपूर्ण प्रकाशन, सात दशक के राष्ट्रपति जी के अभिभाषणों का संकलन। सीपीए राजस्थान शाखा ने भी एक स्मारिका का प्रकाशन किया है, नए आयाम। सम्मानित मंच से अनुरोध, इसका विमोचन भी अपने कर कमलों से करें। नवाचारों के प्रणेता डॉक्टर सीपी जोशी ने अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के साथ ही लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए। आपने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में 9 सेमिनारों का आयोजन किया जिसमें प्रबुद्ध वक्ताओं को आमंत्रित किया गया। मंचासीन माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा के उपसभापति महोदय ने भी इन सेमिनारों में विधायक गणों को संबोधित किया है। इन्हीं ज्ञानवर्धक उद्बोधनों का संकलन इस स्मारिका राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा ने नए आयाम के रूप में प्रकाशित किया है और इसका विमोचन आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और सम्मानित मंच के कर कमलों से। नए आयाम, आज के इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच है माननीय उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य श्री जगदीप धनखड़ जी। हम आपसे अनुरोध करें आप अपना उत्प्रेरण हमें दें, लेकिन उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय। राजस्थान की राजनीति में एक जानी मानी अध्यक्ष व्यवस्था के रूप में झुंझुनू आपकी जन्मभूमि के साथ कर्म भूमि भी रही है। अत्यंत यशस्वी, ऊर्जावान, सजग, सक्रिय, जनमानस से सीधे जुड़े व्यक्तित्व के रूप में पहचान रखने वाले किसान पुत्र के नाम से विख्यात देश के 14वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी का जनसेवा से दीर्घ जुड़ाव रहा है। 1989 में राजस्थान बार काउंसिल से अधिवक्ता पंजीकृत हुए, फिर वरिष्ठ अधिवक्ता पदनामित हुए। सन 1990 से आप सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस करते रहे। देश के कई महत्वपूर्ण प्रकरणों में आपने पैरवी की। आप राजस्थान उच्च न्यायालय बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। 1989 से 1991 में आप झुंझुनू से सांसद रहे। 1993 से 1998 में किशनगढ़ से विधायक रहे।
2016 में आप भारतीय जनता पार्टी के विधि और विधायी प्रभाग के प्रमुख रहे। 2019 में आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए और 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। देश के चहुमुखी विकास के लिए आपका योगदान अविस्मरणीय। माननीय से आग्रह, अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। नमस्कार, नमस्कार। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी, देश के विभिन्न सदनों के पीठासीन अधिकारीगण और उपस्थित देवियों और सज्जनों, इंडीड अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर टू इनोग्रेट दिस 83rd कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन द पिंक सिटी आफ्टर डिकेड एंड दिस इज इन अमृतकाल। It carries momentous significance and a huge burden. मैं आशावान हूं कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मंथन और विचार विमर्शों से अमृत निकलेगा, जो अवश्य ही हमारे देश और संसदीय व्यवस्था को अमृत काल में नई ऊर्जा देगा। Presiding officers hold august offices. In this capacity, we are not stakeholders in politics. Primary concern of presiding officers is optimization of the contribution of elected representatives in parliament and legislature for welfare of the people. People in the executive legislature and holding senior political positions, I am very particular about it. Those who hold high offices, they must take care that high constitutional offices are kept away from their political stance. We have noticed recently some serious observations that are transgressions. I would appeal to them to accord highest propriety to constitutional offices and not drag them into political arena. India is privileged to be heading G20 at a critical time. It is an opportunity to showcase capabilities of Bharat to the world. With such a sizable nation, the mother of democracy, such diversity and such potential, India has the chance to introduce itself to the world and be in no doubt, the anguish and disappointment of the people at lack of decorum, discipline in parliament and legislatures is very severe. There is continual diminishing of respect we have in society. Friends, presiding officers, there cannot be a more grave situation and urgency to find a solution. Leaders of the House and leaders of the opposition, they know with their eyes to the ground, their ears listening to everything, how alarming the scenario is. How can representatives, MPs, MLAs, MLCs, they take oath of constitution?
They swear by constitution. They swear by law. And they throw decorum to winds. Your role in containing and curbing downside is all important. You will have to rise to a level by counseling, by educating, and by employing the rules to ensure that we get over this menace, this pernicious disease, which is eating into our societal growth and democracy. ये समस्या प्रिय है, गले नहीं उतरता। कानून और संविधान की शपथ लेने वाले खुलेआम सदन के अंदर इन द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा आचरण करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो लोग निर्वाचित करके हमें भेजते हैं, जिनकी उम्मीद है, जो सोचते हैं आप समस्याओं का हल निकालेंगे, आप उनको रास्ता दिखाएंगे, उस मंदिर को हमने क्या कर दिया है? We cannot progress unless we diagnose the disease. Disease is diagnosed, समझ में नहीं आता हम उसका समाधान क्यों नहीं दे रहे। राजनीति से ऊपर उठकर देश भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान के असेंस को दृष्टिगत करते हुए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, हमें सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ग्रैंड डिसरप्शंस एंड डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर राजनीतिक हथियार हो सकता है? कैन इट बी अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी दैट वी विल कम टू द वेल, वी विल डिसरप्ट द हाउस, वी विल नॉट फॉलो द रूल्स? इन व्यवधानों और नियमों के उल्लंघन को एक राजनीतिक हथियार यदि कर बनने देंगे तो द सेंक्टिटी ऑफ दी टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी विल बी आउटरेज्ड। हम सबको पता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कहने में कसर नहीं रखते हैं। हम हास्यास्पद स्थिति को सामना करते हैं। कितनी व्यापक व्यवस्था के पश्चात इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है कि हम सदन में पहुंचे, और फिर नतीजा क्या है आपके लिए सोचने का बात। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशन थे, करीब 3 साल तक मिले, उन्होंने बहुत डिफिकल्ट मुद्दों को एड्रेस किया, कंटेंशियस इश्यूज, डिविजिव इश्यूज। योगदान करते हैं, दुनिया कायल है, बट अ सिंगल रिमोट कंट्रोल दे आर इन द वेल, अ सिंगल रिमोट कंट्रोल वी डिस्टर्ब द हाउस। सोचना पड़ेगा। राजनीतिक दल ठीक है, भारत का सोच रखना पड़ेगा। वी विल हैव टू कीप नेशन फर्स्ट। टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट। और इस मामले में जो अंतिम भाषण डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था उसके एक अंश को मैं आप बताऊंगा। ये उनका आखिरी भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सब कुछ होने के बाद ही रिफ्लेक्टेड, और आज के दिन बहुत प्रासंगिक है, हमें चेताना वाला है। However good a constitution may be, संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be bad lot. अब जब हमारे लोग दुनिया के अंदर छाप छोड़ रहे हैं, दुनिया के कॉरपोरेट्स में 10 कॉरपोरेट्स के अंदर अधिकांश में हमारे लोगों का योगदान है, ऐसी परिस्थिति में वाई शुड वी बी दी बैड लॉट? डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, जो हमें चेताया, लेट अस थिंक अबाउट इट। आई एम श्योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स
will bestow full attention and take lead. जैसे क्रिकेट में कहते हैं प्ले ऑन द फ्रंट फुट विद अ स्ट्रेट बैट. द टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी दे शुड बिकम सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस. डेकोरम सब्लिमिटी. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मस्ट एग्जेम्प्लीफाई बाय देयर कॉन्डक्ट वर्चुअसिटी सब्लिमिटी वर्थ इम्यूलेटिंग. मित्रों, दूसरे मुद्दे पर जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो चुनौतीपूर्ण भी है, सामयिक भी है, और उस पर मेरे पहले सभी वक्ताओं ने अपने हिसाब से कहा भी है. कुछ ने सीधी बात कही है, सम प्लेड प्रोटेक्टिंग देयर विकेट, पर यह मुद्दा ऐसा है वी कांट ऑस्ट्रिच लाइक स्टांस. ऑस्ट्रिच जैसे व्यवहार करती हम ऐसा नहीं कर सकते. ये मुद्दा हमारे सामने है, जनता के सामने है, देश के सामने है, और वो है हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर जुडिशियरी, और ये आपका विषय भी है. आई ग्रेटली अप्रिशिएट ओम बिरला जी एंड डॉक्टर सीपी जोशी कि उन्होंने मंथन चिंतन के लिए डेलिब्रेशन के लिए इस विषय को रखा, हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी इन अकॉर्डेंस विद स्पिरिट अनश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय के ऊपर संविधान का निर्माण होते समय क्या कहा, आई विल इन्वाइट योर अटेंशन. आई कोट, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड, आई एम कोटिंग डॉक्टर अंबेडकर, the constitution can only provide the organs of the state such as legislature, the executive and the judiciary. Wo provide ho gaye hamare samvidhan mein hai. The great man, father of Indian constitution, architect of Indian constitution, further says, I quote, the factors on which the working of those organs of the state depends on the people and political parties. Democracy blossoms, democracy survives when legislature, the executive and the judiciary, they act in togetherness, they act in tandem so that aspirations of the people are realized. Mere man mein to koi shanka nahi hai, aap Vidhan Sabha mein न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट स्क्रिप्ट इन लेजिस्लेचर अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट. उसी भावना में कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट. इट इज एज क्लियर एज एनीथिंग एल्स. अब आज के हालात क्या हैं? वन अपमैनशिप, पब्लिक पोस्टिंग फ्रॉम जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स, ये ठीक नहीं है. दीज इंस्टीट्यूशंस मस्ट नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स. देर कैन बी इंटरेक्शन, देर कैन बी डिलीब्रेशन, बट यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर पब्लिक कंजप्शन, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटोर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को यह मैसेज दो, फ्रेंड्स आई हैव डिक्लाइन टू एंटरटेन द अटोर्नी जनरल ऑन दिस पॉइंट. आई कैन नॉट बी पार्टी टू इमेस्कुलेट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर एंड आई हैव बीन सोल्जर ऑफ जुडिशियरी. I have highest respect for judiciary. I have been part of it by training, by profession, and I have to respect it by the position I hold. Through this august platform, I will appeal to them. We all have to confine to a deep sense of propriety, self-respect,
and commitment to the Constitution. Dialogue through public platforms is not a wholesome mechanism of communication. ऐसी परिस्थिति के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर 10 years एंड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अ सेलिब्रेटेड फिगर, व्हाट ही सेड एंड दैट इज कॉशन. उन्होंने जो कहा वो एक चेतावनी थी, हमें आगाह किया था. आई कोट, इफ द पीपल हु आर इलेक्टेड एंड कैपेबल एंड मैन ऑफ कैरेक्टर, they would be able to make best even of a defective constitution. If they are lacking in this, the constitution cannot help the country. After all, a constitution like a machine is a lifeless thing. Mere samne, aap sab ke samne, chintan hai aur chinta ka vishay hai ki jo log hain wo pratibhashali hain. Vidhayika mein aur sansad mein jo bhi baithta hai, आप उनके प्रोफाइल को एग्जामिन करेंगे, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी. बड़े विद्वान हैं, हर फील्ड में, किसी न किसी फील्ड में उनकी भारी योग्यता है. उसके बावजूद हम संविधान को ऐसा क्यों कर सकते हैं? संविधान नामक मशीन जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि लाइफलेस है, लेट अस मेक इट फंक्शनल. इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी basic of any basic structure, जिस basic structure के बारे में बताऊंगा जो आपका विषय है, basic of any basic structure is supremacy of the people, sovereignty of the people, sovereignty of the parliament. Executive thrives on sovereignty of the parliament. Legislatures and parliament decide who will be chief minister, who will be prime minister. The ultimate power is with the legislature, and legislature also decides who will be there in other institutions. In such a situation, all constitutional institutions, the legislature, the executive, the parliament, are required to be within their limits. One must not make incursion in the domain of the other. और जो इनकर्शन सटल होता है उतना ही खतरनाक होता है. यू आर वेरी इलस्ट्रियस पीपल. क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? 1973 के अंदर एक बहुत गलत परंपरा चालू हुई. 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं. विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द जुडिशियरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस. This House must deliberate. Can this be done? Can Parliament be allowed that its verdict will be subject to any other authority? When I assumed the office of Chairman Rajya Sabha, in my maiden address, मैंने कहा, and I am not in doubt about it, ये नहीं हो सकता. न तो Executive कानून को देख सकती, it has to follow it. न जुडिशियरी इंटरवेंट कर सकती. यदि अगर संसद के बनाए हुए कानून को किसी भी आधार पर कोई भी संस्था मान्य करती है तो ठीक नहीं होगा प्रजातंत्र के लिए, बल्कि कहना मुश्किल होगा आर वी आर डेमोक्रेटिक नेशन. 2015-16 अक्टूबर का दिन लोकसभा और राज्यसभा ने यह कानून पारित किया जिसको आम भाषा में हम नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का कानून कहते हैं. लोकसभा में
सर्वसम्मति से वो कानून पारित हुआ, सर्वसम्मति से। राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, पर एक एब्सटेंशन था, लोकसभा में कोई एब्सटेंशन नहीं था। संविधान की आवश्यकता थी कि मोर देन 50% लेजिस्लेचर पास करें। राजस्थान लेजिस्लेचर वॉज द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू रेटिफाई इट। ऐसे कानून को 16 अक्टूबर 2015 को 4:1 में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। दिस इज नॉट अ चैलेंज टू जुडिशियरी, दिस इज बिलीविंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज बिलीविंग इन डेमोक्रेसी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। पर इसके बाद दूसरी जो समस्या है वो कार्यपालिका के लिए है। पार्लियामेंट ने कानून दिया, 16 असेंबलीज ने उसको रेटिफाई किया, महामहिम राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 के तहत उस पर दस्तखत किए और उसके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। कार्यपालिका के सामने दो मुद्दे, संसद द्वारा निर्मित कानून और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरफ कैसे झुक सकते हैं? हाउ कैन पार्लियामेंट सोवरेंटी बी कंप्रोमाइज्ड? ये मुद्दा आपके लिए है। किसी भी परिस्थिति में जो लोग यहां बैठे पीठासीन अधिकारी, वी कांट बी कंप्लेनेंट्स, वी टू सब नेशन, वी कांट बी इन कन्फ्रंटेशन, वी हैव टू बी इन कोऑर्डिनेशन, वी हैव टू बी इन कोलैबोरेशन। एंड आई एम श्योर एवरीवन विल रियलाइज देयर मस्ट बी अ मेथड टू फाइंड वे आउट। जनता ने आप पर बहुत बड़ा विश्वास किया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमने आपको यह अधिकार दिया है कि आप संविधान को बचाओ, हमारी सेवा करो और डेमोक्रेसी को फूले और फले ये करो। यू हैव नो चॉइस बट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट पार्लियामेंट्री ऑटोनॉमी, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, राइट्स ऑफ द पीपल। बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी मिली है, लेट अस नॉट फ्लाउंडर इट। उसका एक ही रास्ता है, डायलॉग एंड लेजिस्लेचर से बेटर कोई संस्था नहीं है जो एग्जीक्यूटिव में, जुडिशियरी में और लेजिस्लेचर में कॉन्जिनियलिटी लाए, डेकोरस बिहेवियर लाए, संवाद स्थापित करे, रास्ता निकाले। फ्रेंड्स, इन माय वैलेडिक्टरी एड्रेस एट द 250th सेशन ऑफ राज्यसभा आई हैड सेड वन थिंग, आई एम कोटिंग, दिस थिएटर ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज राज्यसभा इज अंडर द गेज ऑफ अ बिलियन पीपल इन द कंट्री एज ऑल्सो दोज बियॉन्ड। हमें कौन देख रहे हैं? 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, हमारा आकलन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इस कालखंड के अंदर हमने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है, जिन प्रतिनिधियों ने आस्था व्यक्त की है, उनका आचरण क्या है, अनुशासन क्या है, वो क्या कर रहे हैं। दे चेरिश होप एंड एक्सपेक्ट। क्या सोचते हैं कि ये लोग हमारा क्या करेंगे? दे विल फ्रक्टिफाई आवर ड्रीम्स, दे विल रियलाइज आवर एस्पिरेशंस। मित्रों, जब मैं ऐसा कह रहा था तो मेरे सामने डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन था, आई कोट, और बहुत महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर अंबेडकर का, आई कोट, अनलेस वी इन पार्लियामेंट विच मीन लेजिस्लेचर रियलाइज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शोल्डर द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड गुड ऑफ द पीपल, आई हैव नॉट दिस स्लाइटेस्ट डाउट in my mind that this parliament will be treated by public outside with utter contempt, unquote. उन्होंने तो utter contempt कहा था। आज के दिन जाकर analysis कराइए, घर से शुरुआत कीजिए, वो क्या सोचते अपने बारे में।
लाइव कवरेज के बारे में क्या सोचते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे प्रतिनिधियों का ये आचरण है और कानून निर्माण के समय अपनी योग्यता का परिचय नहीं देते हैं। यह सही वक्त है, 2047 में भारत 100 साल पूरे करेगा इंडिपेंडेंस का, उसकी नींव अपने को रखनी है, बेहिचक रखनी है, और इस सब को ठीक करने के लिए कितने कम लोगों का योगदान है। सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, पार्टीगण के नेता और जनप्रतिनिधि, 136 करोड़ जनता के भाग्य का विधाता बनने के लिए उनको सिर्फ एक सोच चाहिए और उस सोच को निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से। फ्रेंड्स, आई हैव नो डाउट द टास्क बिफोर यू इज एज क्रिटिकल एज सीरियस एज इन सम सेंस वॉज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई एम श्योर डेलिब्रेशंस एंड कंक्लूजन्स इन द कॉन्फ्रेंस विल बी सिग्निफिकेंट फार रीचिंग माइलस्टोन एंड दे विल स्ट्रेंथन एंड एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर। आई विश द कॉन्फ्रेंस अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू।